गुलाब जामुन तो हम बहुत बार बनाते हैं, लेकिन आज हम बिना फ्राई किए हुए, बिना कलर डाले हुए सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। अंदर तक रस से भरा हुआ होता है और इतनी सॉफ्ट कि खाते ही मुंह में घुल जाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और श्वेता रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर गाय का दूध ले लिया है। गाय के दूध से गुलाब जामुन या रसगुल्ले सॉफ्ट बनते हैं। तो दूध में हम उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये हल्का सा ठंडा हो रहा है, तब तक हम नींबू से रस निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 नींबू ले लिया है, तो इसे कट कर हम इसका रस निकाल लेंगे। अगर नींबू में रस ज़्यादा हो तो आपको 1 नींबू से भी काम चल जाता है। अगर आपके पास विनेगर हो आप तो विनेगर से भी आप इसे दूध को फाड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 नींबू के रस में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नींबू डालेंगे और धीरे धीरे इस तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दूध कैसे धीरे धीरे फटने लगा है। और मैंने यहाँ पे सारा नींबू डाल दिया है और देखिए थोड़ी देर में दूध अच्छी तरह से फट चुका है। विनेगर से भी दूध अच्छी तरह से फट जाता है। तो जिस तरह से नींबू में के रस में थोड़ा सा पानी मिला के हम फाड़े हैं, इसी तरह से आप विनेगर में भी थोड़ा सा पानी मिला के और फिर इसी तरह से दूध को फाड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 छलनी पे 1 कॉटन कपड़ा ले लिया है और इस पर सारे दूध को हम इस पर डाल देंगे और पानी से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें नींबू डाले हुए हैं। तो नींबू की जो खटास है पानी से अच्छी तरह से धुल जाने पर ये साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से पानी से पहले अच्छी तरह से साफ़ करके और कपड़ा को इस तरह से उठाते हुए इसके सारे पानी को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसके पानी को निकाल लें। अब कोई एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम सारे पनीर को फैला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच सूजी और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने के बाद हथेली से हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से मसल के सॉफ्ट करेंगे। तो इसे मसल के सॉफ्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए। तो इसे पहले मसलते हुए सॉफ्ट कर ले। तो इसे 5 से 7 मिनट मसलते हुए मैंने इसे सॉफ्ट कर लिया है। पनीर हमारा रेडी हो चुका है, तो चलिए तब तक हम इसकी चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो गैस पर मैंने 1 बड़ा सा बर्तन चढ़ा लिया है, गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा चीनी इसमें डालेंगे, 1/4 के लगभग। इसमें 2 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे, पानी बहुत थोड़ा सा कम डालें। 2 चम्मच के लगभग इसमें मैंने पानी डाल दिया है। फ्लेम को हम लो रखेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद चीनी घुलने के बाद इस भूरा बन जाता है और भूरा पिघल के इसमें हल्का सा कलर आ जाता है। तो इस तरह से देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो यह इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें हम जो चीनी 1 कप चीनी लिए थे वो चीनी हम इसमें डाल देंगे और 2 कप पानी इसमें हम और डाल देंगे। एक बार इसे मिक्स कर ले। फ्लेम को हम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे और इसमें अच्छे उबाल आने देंगे। तो चलिए जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक इसके हम बॉल्स बनाकर तैयार करते हैं। तो 1 स्पून ले लें, स्पून की सहायता से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। जब स्पून से क्या है कि सारे गुलाब जामुन 1 साइज के बनेंगे, छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह के पहले मैंने इसमें से सारा बॉल्स बना लिया है। अब इसके हम गोल करके इसे चिकना कर लेंगे, इस तरह से, कोई क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए। अब इसका इस तरह से लंबा रोल कर ले, हल्के हाथों से इस तरह से फैलाते हुए रोल कर लेंगे। तो सारे गुलाब जामुन इसी तरह से बनाकर तैयार कर ले। आप चाहे तो गोल गोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, गोल वाले भी गुलाब जामुन। तो सारे गुलाब जामुन को मैंने लंबा रोल कर लिया है। चलिए अब इसे हम चाशनी में डालते हैं। तो चाशनी में भी अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो इस समय हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और एक एक करके सारे गुलाब जामुन इसमें हम डालेंगे। इस समय फ्लेम को हाई ही रखें, इसकी उबाल जो है वो कम नहीं होनी चाहिए।
जब सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दें, फिर इसको ढक्कन से बंद कर दें, पूरी तरह से न ढके, थोड़ा सा पकने दें। अब इस गैस को हम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसे हम लो और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 7 मिनट बाद हम गुलाब जामुन को चेक करेंगे और देखिए फूल के ये साइज में कितना बड़ा हो गया है। तो इसे हल्के हाथों से स्पून की सहायता से इसे पलट ले एक बार, अब ढक देंगे। तो पूरी तरह से ना ढके, थोड़ी सा खुला रहने दें। अब गैस का फ्लेम हम लो रख करेंगे और लो फ्लेम पे इसे करीब हमें 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। बीच बीच में 1 से 2 बार आप इसे पलट सकते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम लो ही रखें। 25 मिनट बाद हम गुलाब जामुन को चेक करेंगे और देखिए गुलाब जामुन में कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो इस समय अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। कपड़े से इस तरह से पकड़ते हुए इसे हिला लें। तो इसमें अगर चाशनी अभी ज़्यादा लग रहा है और चाशनी अगर पतली है तो क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और ढक दें और हाई फ्लेम पर इसे पकने दें जब तक कि चाशनी थोड़ी सी चिपचिपाहट जैसा ना हो जाए। तो हाई फ्लेम पर इसे मैंने करीब 5 से 6 मिनट पकाया है और चाशनी यहाँ देखिए सूख चुका है। तो जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए तब तक इसे आप सुखाते रहें। तो यहाँ चाशनी पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो हम चाशनी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे और चाशनी चेक करेंगे। तो देखिए इसमें एक तार वाली चाशनी बन रही है। तो गैस को इस समय बंद कर देंगे और गुलाब जामुन को मैंने निकाल लिया है एक बॉल में। जब एक तार की चाशनी बन जाए फिर गैस को बंद कर दें। इसे हम होने देंगे अच्छी तरह से ठंडा। गुलाब जामुन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैंने बिना फ्राई किए हुए और बिना कलर डाले हुए बनाया है। तो अब हम आपको एक गुलाब जामुन को कट कर दिखाते हैं। काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है। अंदर तक रस अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो आप भी इस गुलाब जामुन की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।